क्योंकि एग्जाम्स लाइफ like में कभी खत्म नहीं होते ना तो हम अब बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की ऑफ ड्यूएलएल बी तो सबसे पहले हम इस वीडियो को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं ठीक है थीके? पहला पार्ट क्या रहेगा रिकमेंडेड बुक्स बुक्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा रेफरेंस बुक्स गाइड बुक्स मतलब आपकी की थर्ड चीज हमारे केस मटेरियल एंड फोर्थ चीज जो है हमारी पीवाई क्यूज ठीक है इन चार चीजों से बनेगी आपकी बुक्स की प्रेफरेंसेस सेकेंड चीज जो है हम बात करेंगे कि कहाँ से हम एक रीजनेबल कॉस्ट में रीजनेबल प्राइस में बुक्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन खरीदे ऑफलाइन खरीदे किसी स्टोर से खरीदे या फिर सेकेंड हैंड भी चल जाएंगी इसकी बात करेंगे एंड थर्ड पार्ट जो रहेगा इस वीडियो का वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस मतलब सिलेबस में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे शायद तो इसलिए मैंने को एंड में रखा एंड सिलेबस को डिस्कस करते -करते, सेमेस्टर के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं तो विदाउट फॉर अडू लेट्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सेम हिट बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक तब करना है अगर वीडियो पसंद आए समझ आए और यूजफुल लगे तो डेशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर डिस्कस कर रहे हैं ना तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका सेमेस्टर सिक्स मंथस का रहेगा या फिर फोर मंथस का क्योंकि अगर फोर मंथस का रहेगा तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है एंड अदरवाइज सिक्स मंथ्स में अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर अब अगर हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करें तो हमारा फोर मंथ्स का सेमेस्टर है तो अकॉर्डिंगली आई विल गाइड यू कि कैसे आप बुक्स परचेज करो कि जिससे कि आपका बेस्ट आउटकम निकल पाए विद रिस्पेक्ट टू दिस सेमेस्टर एंड अगर आप सिक्स मंथ्स के लिए हैं तो आपका तो जनरल एक वे आउट निकलेगा जो कि आपको इस वीडियो से ईजीली समझ आ जाएगा सो so, हम आगे चलते हैं बुक रिकमेंडेशन पे जो हम इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं जस्टस सेकेंड तो अब हम बात करने वाले हैं रेफरेंस बुक्स की अब जिस बॉक्स में दी हुई हैं ये सारी रेफरेंस बुक्स हैं रेफरेंस बुस बेसिकली क्या होती हैं रेफरेंस बुक्स वो बुक्स होती हैं जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट ईच सब्जेक्ट और ईच पेपर ठीक है तो हमने जो ये फाइव सब्जेक्ट्स हैं न जो स्टूडेंट्स टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट फैमिली और क्रिमिनल लॉ मतलब आई पी सी ये पढ़ने हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ओके अब इन दीज फाइव सब्जेक्ट वी हैव डिफरेंट बुक्स ओके हमने टॉर्स ऑलरेडी एंट्रेंस में किया है कॉन्ट्रैक्ट वी ऑलरेडी डिड इन एंट्रेंस फैमिली लॉ टू वी डिड इन एंट्रेंस एंड क्रिमिनल लॉ मतलब आई वो भी हमने एंट्रेंस में करा था तो बेसिक्स तो हमको अब पता है है ना बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू सुपरफिशियली हमें पता है पर जुरस्टूडेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है जुर्स स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है जुर्स स्टूडेंट्स क्या होता है थियरी ऑफ लॉ थी ऑफ लॉ मतलब लॉ का ओरिजिनेशन लॉ का इंटरप्रिटेशन लॉ के रूल्स लॉ के डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट थियोरिस्ट या फिर कोई एमिनेंट जोरिस्ट जिन्होंने अलग अलग थियोरीज दी हैं तो वो सब हम पढ़ते हैं ज्यूर स्प्रूडेंट्स में कि किस तरीके से लॉ इवाल्व हुआ ओवर द ईयर्स ठीक है विध रिस्पेक्ट टू तो इंडिया एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू तो वर्ल्ड ये हमने नहीं पढ़ा था एट द टाइम ऑफ़ एंट्रेंस अब इसके अंदर ना दो बुक्स होती हैं मेन जो यूजुअली आपको सजेशंस मिलेंगी या तो वीडी महाजन ले लो वीडी महाजन क्या है एक डिटेल्ड बुक है जो कि काफ़ी मोटी है एंड आपको इसको पढ़ने में टाइम लगेगा अगर आप जुडिशरी करने वाले हैं तो आप येस यू कैन गो फॉर इट बट अगर हम ये देखें ना कि अगर हमारे पास कम टाइम है ना नर सेमेस्टर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पढ़ पाएं तो आई विल सजेस्ट रादर देन गोइंग फॉर वी महाजन आप दुक्की ले लो अब दुक्की क्या है इसके बारे में दुक्की के बारे में आप अगर आपने लाइक फैकल्टी की प्रिपरेशन जब भी शुरू करी होगी उसके बाद अगर कहीं से भी पढ़ना शुरू करा होगा तो सुना होगा अब दुक्की क्या है बेसिकली गाइड बुक है गाइड बुक मतलब कुंजी नहीं कहते हैं जो छोटी छोटी गाइड बुक्स होती हैं वो इतनी भी छोटी नहीं होती है उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है एग्जॉस्टिव होती है बट दुक्की इसलिए लोग कम प्रेफर करते हैं बिकॉज इसकी लैंग्वेज कंपेरेटिवली ईज़ी होती है मतलब अगर आपको एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना है या फिर एक बहुत अच्छा जज बनना है या फिर कुछ बहुत बड़ा करना है स्कॉलरली करना है इन द फील्ड ऑफ लॉ तो right exam, right दुकी इज़ नॉट द राइट चॉइस बट फॉर सेमेस्टर एग्जाम दुक्की इज़ द राइट चॉइस एंड दुकी इज़ द ओनली चॉइस ओके और अगर आपके पास इतना कम टाइम हो लाइक थ्री टू तो फोर मंथ्स तो तो और कोई बेटर वे आउट है ही नहीं ठीक है जी तो हम आते हैं इस पर कि हमें जो के लिए कौन सी बुक लेनी है तो देखो या तो वी डी महाजन या फिर दुक्की अब दुखी दो पब्लिकेशंस की आती हैं या तो आप एक ही जैन ले लो या फिर सिंगल पब्लिकेशन ले लो अब मैंने सुना है जुड़े स्टूडेंट्स के लिए ए के जैन इज़ बेटर दो आई टोक सिंगल पब्लिकेशंस बट यू कैन टेक लाइक ए के जैन ओवर द सिंगल पब्लिकेशन वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी या तो दिन दिनकर स्टॉल जो है सी एल सी में वहाँ से आप ले सकते हो एंड ऑल्सो मुखर्जी नगर में भी दे आर डिफरेंट शॉप्स आप वहाँ से भी ईजीली परचेज कर सकते हो दीजीज़ आर ईज़िली अवेलेबल ठीक है उसके बाद हम आते हैं टॉर्च पे टॉर्च हमने एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ा था वो है पर उसी में डिटेल है जैसे नेग्लिजेंस है या फिर फीजर्स हैं तो वही सब चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं इन दिस यूनिट या फिर इन दिस पेपर अब इसके अंदर दो बुक्स के बीच में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आर के बांगिया या फिर रतन लाल धीरज लाल देखो रतन लाल धीरज लाल में दिया हुआ है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ठीक है मतलब एडवोकेसी के लिए इट्स द बेस्ट बुक बट अगर हम सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ तो व्यू से सोचें ना तो आर के बांगिया इज़ द बेस्ट टेक मतलब मैं सही बताऊँ तो मैंने रतन लाल धीरज लाल ली थी ठीक है बट लेटर ऑन वेन आई गॉट इन टच विद माई फ्रेंड्स मतलब मैंने सेमेस्टर एग्ज सेमेस्टर शुरू होने से पहले ले लिया था तो आई डिडेंट हैव एनी आइडिया बट वेन द हमारे सेमेस्टर शुरू हुए एंड आई गॉट इन टच विद पीपल तो दे सजेस्टेड कि आर के बाग्या इज़ बेटर फॉर सेमेस्टर एग्जाम क्योंकि सेमेस्टर में इतना डिटेल नहीं आता है एक लिमिटेड कंटेंट आता है और वो आर के बांग्या से हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आर के बांग्या राधा दन रतन लाल धीरजलाल और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं और सेमेस्टर तो आप रतन लाल धीरज लाल भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है टू रीड इट ठीक है कम्पलेसेंट नहीं हो जाना है कि मैं तो बहुत स्कॉलर हूँ मैं तो पढ़ ही लूँगा वो चीज़ नहीं करनी है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है एंड आपको उसके बाद एग्ज़ाम देना है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी फ़ैकल्टी ऑफ लॉ में एग्जाम्स जो होते हैं ना वो इतने ईजी नहीं होते हैं ठीक है तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट तो और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो पाता है लेट्स से आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है तो आई विल सजेस्ट गो फॉर दुक्की ठीक है दुक्की आपका एग्ज़ाम पास करा देगी ठीक है पास होना है दुक्की इज़ द टेक लो खत्म करो ठीक है अब आगे आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट में दो चॉइसज होती हैं या तो आर के बांग्याया ही या फिर अवतार सिंह ठीक है आर के बांग्या आई विल से इज़ अ बेटर बुक अगर हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है तो आर के बांग्या इज़ द टेक मैंने अवतार सिंह परचेज की थी बीइंग वेरी कंप्लेसेंट कि मैं तो कर ही लूँगी तो जो नीचे वाली है ना जैसे रतन लाल धीरजलाल और अवतार सिंह मैंने ली थी बट आई रियलाइज़ कि इनमें बहुत डिटेल्ड कंटेंट है एंड इतना सारा हम नहीं पढ़ पाते फॉर सेमेस्टर एग्जाम एंड अब आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं हम फ्यूचर के लिए अभी से लेके रख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हाँ आप लेके तो रख लोगे बट ओवर द ईयर्स अमेंडमेंट्स अपीयर राइट तो उन अमेंडमेंट्स के आने के बाद वो बुक्स ऑप्सलीट हो जाती हैं तो जब भी आप प्रैक्टिस करने लगो तब आप वो बुक ले सकते हो बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि मेरे को तो बहुत ही पढ़ना ही पढ़ना है देन यू श्योर कैन गो विद अवतार सिंह इट्स अ बेटर टेक बट आर के बाद गया एज फॉर सेमेस्टर एग्जाम ठीक है जी और अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा क्या टेक है राइट दुखी ले सकते हो मैं दुखी के लिए मना नहीं करूँगी आपको क्योंकि मेको कुछ सीनियर से मना करा था बट आई रियलाइज लाइक बींग इन थर्ड सेमेस्टर नाव कि दुखी इज़ अ गुड टेक अगर एक एक डेढ़ महीना बचा है एग्जाम का एंड यू आर नोइंग नथिंग कुछ भी नहीं आ रहा है आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है जिंदगी में तो दुक्की इज़ द सेवियर दुक्की इज़ द लास्ट रेस्क्यू स्पॉट यू कैन हैव इन योर लाइफ ठीक है तो दुखी उठा देना अब आते हैं फैमिली लॉ में फैमिली लॉ में, में पूनम प्रधान है पारस दीवान है और मुल्ला है मुल्ला तो हमारा मुस्लिम लॉ के लिए सेट है ठीक है बाकी पूनम प्रधान और पारस दीवान में मैंने जो देख किया था वो मैंने लिया था पारस दीवान ठीक है बींग अगेन वेरी कंप्लेसेंट क्योंकि पारस दीवान है ना जो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है मतलब उसमें बहुत कंटेंट है पर पूनम प्रधान ना कम्पेरेटिवली लिमिटेड है पूनम प्रधान जो है वो हमारी लॉ फैकल्टी की भी एक फैकल्टी रह चुकी हैं उन्होंने अपनी जो सिलेबस अपने जैसे करिकुलम में जो बुक्स बुक के अंदर जो सिलेबस डाला है ना वो कम्पेरेटिवली फैकल्टी ऑफ लॉ के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है ठीक है तो आई वजेस्ट कि पूनम प्रधान ले लेना रैदर देन पारस दीवान ठीक है उसके बाद मुल्ला तो हमारा मुस्लिम लॉ के लिए हो ही गया एंड कुछ नहीं हो रहा तो दुखी उसके बाद हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे क्रिमिनल लॉ में एक है एस एन मिश्रा और एक है के डी कौर अब के डी कौर जो है ना वो उसमें बहुत कुछ है मतलब बहुत कुछ मतलब हाँ अगर आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है एडवोकेट बनना है तो के डी कौर बट अगर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम करना है मतलब आपको ये लगाओ कि आपको ये लग रहा है कि मैं पास भी नहीं हो पाऊँगा मेरे से इतना नहीं हो रहा है तो एस एन मिश्रा ले लेना और बात ख़त्म ठीक है मतलब एस एन मिश्रा में भी बहुत डिटेल है ऐसा नहीं है बट के डी कॉर में कुछ ज़्यादा ही है ठीक है तो एस एन मिश्रा ले लेना एंड यू वुड बी डन अगर आपको कॉपरेट लॉ में जाना है क्रिमिनलॉजी में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है एस एन मिश्रा लो खत्म करो ठीक है और अगर कुछ नहीं होता है तो दुख की अब फर्दर आते हैं हम केस मैच पे ठीक है अब केस मैच के बारे में भी आप अभी तक सुन ही चुके होंगे बहुत लोगों से ठीक है तो केस मैट्स का, का क्या काम होता है बेसिकली देखो इन फैकल्टी ऑफ लॉ ना जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं इट्स एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन हमें कहाँ से पता लगती है फ्रॉम दीज केसेस। केस मार्च में क्या है बेसिकली केसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पेपर्स मतलब टॉर्ट्स है तो उसके पेपर उसके केसेस हैं केसेस मतलब कि कैसे इनको अप्लाई किया कोर्ट ने इन डिफरेंट केसेस तो ये केसेस ना पढ़ने में बहुत मजा आता है मतलब अगर आप दिल से पढ़ोगे ना तो सच में बहुत मज़ा आएगा बट इफ़ यू आर नॉट फ्राम इंग्लिश एफ्लुएंट बैकग्राउंड मतलब आप इंग्लिश पे आपका कोई भी ग्रिप नहीं है यू आर नॉट एट ऑल लाइक प्रोफिशेंट विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश तो आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज इन केसेस को रीड करना इज़ नॉट दैट आ इजी टास्क बट एक बार समझ आ जाए ना तो आप इजीली इनको पिक कर सकते हो कोई दिक्कत आती ही नहीं है तो ये केस मैट्स हमें इजीली कहाँ से मिल जाएंगे फैकल्टी की साइट से फैकल्टी की साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हो पांच पेपर्स हैं उनके पांच केस मैट होंगे अलग अलग उनको आप इजीली प्रिंट आउट निकलवा सकते हो दो यूजुअली हर सेमेस्टर का मतलब हर ईयर के नए केस मैट्स आते हैं अपडेटेड केस मैट्स आते हैं विद अपडेटेड केसेस बट अभी आई विल सजेस्ट कि अगर आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन ही पी डी की रिस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हो एंड फर्दर जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो अपने टीचर्स या फैकल्टी से जा पूछ सकते हो इफ़ यू कैन गेट दैम प्रिंटेड ठीक है उसके बाद मैंने आपको दुखी की बात साथ साथ सबकी बताई दी अब एक के जैन और सिंगल पब्लिकेशन में कौन सी बेटर है देखो कुछ लोग बोलते हैं एक जैन बेटर है कुछ बोलते हैं सिंगल बेटर है तो ऐसा कुछ वो नहीं है बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की सिंगल्स बेटर होती हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की एक के जैन बेटर होती हैं ठीक है इन फोर्थ सेमेस्टर मैंने दो सब्जेक्ट की एक ही जंग दी और बाकी की सिंगल ली ठीक है तो आई विल से कि कोई भी ले लो जो अच्छी लगे एक काम कर लो इनिशियली एक सिंगल की उठा लो एक ही जैन की उठा लो एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स की मतलब और फिर उनको एनालाइज़ करो जो आपको बेटर टेक लगता है उसी की बाकी भी ले लेना ले ठीक है उसके बाद हम पाते हैं पी वाई की उस पे, ये हमें एंड के एक महीने में लेने होते हैं एंड इसमें हमारे लास्ट लाइक फोर फाइव ईयर्स के पेपर्स होते हैं ठीक है तो इनसे ही यूजुअली एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेम होते हैं वही क्वेश्चन रिपीटेटिवली आते हैं तो इनको तो आपको करना ही करना है तो ये था हमारा ओवरऑल टेक अबाउट द बुक्स ठीक है जी तो अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन आस दैट आउट इन द कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं इन दिस स्लाइड सो दिस Whole mess is from my first semester. Like, in my fascination, I bought all these books, and I don't know, like, they ended the semester in three months. And what are you thinking? Like, would I be able to do all these, like this, 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 like all of this in three months? Seriously? फैकल्टी ऑफ लॉ गई दिस वीडियो इज वेन आई गोट डन विद माई फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दिकॉर्डेड दिस वीडियो बट वॉज नॉट एबल टू पोस्ट इट एवो बिकॉज मेरे को उस टाइम फ्रस्ट्रेशन में मैंने बना दी ये सोच के की यार ये ऐसे कौन करता है बट एक्चुअल में हमारे साथ ये चीज हुई एंड यू माइट बी लाइक सम हाउ कमिंग अक्रॉस द सेम इन द अपकमिंग फ्यूचर सो बी अवेयर ऑफ द सेम सेमेस्टर हवा हो जाता है और बस्सी की लैंग्वेज में बोले तो तुम्हें तो कॉलेज पहुंचा मुझे गाना मिल गया मैंने गया मैंने सेमेस्टर खत्म हो एंड बाकी ना सोच समझ के बुक्स खरीदना लिमिट में बुक्स खरीदना जितनी पड़ी जाए उतनी खरीदना नहीं पड़ी जाए तो डोंट मिस विद योर मेंटल हेल्थ क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है थ्री मंथ्स में आप इतना कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो ये वीडियो मैंने इसलिए डाली टू लेट यू नो कि दिस लाइफ वुड नॉट बी ईजी बट यू नीड टू चेयर अप यू नीड टू बकल अप एंड लेट्स गेट गोइंग सो अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे विच इज फ्रॉम वेयर टू बाय द बुक्स एट मैक्सिमम डिस्काउंट देखो जी अपने पास दो मोड्स हैं एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो का अगर आप नॉर्थ कैंपस रीच आउट कर सकते हो इजीली तो का स्टॉल है जो सी में है या मुखर्जी नगर या कमला नगर जहाँ पर भी आप रीच आउट कर पाओ वहाँ जाके यू कैन ग्रैप योर डिस्काउंट ट्वेंटी मिल जाता है पब्लिशर्स पे मतलब जो रेफरेंस बुक्स हैं एंड फोर्टी ऑफ मिल जाता है बेयर एक्ट्स पर हमने बेयर एक्ट्स की डिटेल में बात नहीं करी ना तो देर वुड बी फोर बेयर एक्ट फॉर यू क्योंकि जो का कोई बेर नहीं होता टॉर्च का कोई बेर नहीं होता तो बच्चे किस किस के बेयर एक्ट हमारे पास बेयर एक्ट बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट का एक आईपीसी का और फैमिली लॉ के दो एक हिंदू लॉ और एक मुस्लिम लॉ तो चार बेयर एक्ट आपको लेने हैं ठीक है तो इन पर आपको मिल जाएगा फोर्टी परसेंट ऑफ ओवर ऑफलाइन मोड अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो एक अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाएं तो सेम ही डिस्काउंट मिल जाता है तो अगर आप नॉर्थ कैंपस रीच नहीं कर सकते इजीली तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आई ऐड द लिंक ऑफ दीज बुक्स इन डिस्क्रिप्शन जहां से आप इजीली मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो एंड एज सुन एज पॉसिबल यू कैन बिगेन विद यस्टर प्रिपरेशन विदाउट एनी अडू ठीक है जी so, अब हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे विच इज द फाइनल पार्ट सिलेबस ठीक है सेमेस्टर वन का सिलेबस इस चीज़ के लिए बहुत लोग वॉरिड थे कि व्हाट वुड बी द सिलेबस सो आई वुड बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ ऑफ द सेम ऑन माय टेलीग्राम चैनल लिंक टेलीग्राम का भी इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी तो यू कैन रीच आउट द सेम एंड फर्दर हम लोग एक बार ब्रीफली उसको एनालाइज कर लेते हैं ऊपर ऊपर से जिससे कि आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है सो वेट अ सेकेंड अच्छा जी देखो सर सबसे पहले ज़ूरिस स्टूडेंट्स जो कि हमारा फ़र्स्ट पेपर है एल बी वन जीरो वन क्योंकि ये फ़र्स्ट पेपर है इसके अंदर देखो कोर्स कंटेंट्स के अंदर क्या है सबसे पहले लीगल सिस्टम्स पढ़ाएंगे ये फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ ये सब तो ये आपको देख के समझ आ रहा होगा ये बहुत जनरल जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेगी इस सब्जेक्ट में सोर्सेज ऑफ़ लॉ रॉड लर्निंग है प्रॉपरली लीगल प्रोफेशन इन इंडिया क्या क्या हो सकते हैं एनालिटिकल लॉ स्कूल स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं स्किल्स इन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ये शायद आपने सुना भी होगा ठीक है तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आप इसमें पढ़ेंगे तो ये एक मतलब प्रॉपर आपको एक रट्टे वाला सब्जेक्ट दे रहे हैं जो आपको करना है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अगर देखा जाए तो एंड फर्दर हम आते हैं किस पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इसके अंदर भी दे आर न्यूमरस टॉपिक्स यू कैन सी देखो एक तो जनरल इंट्रोडक्शन है फिर फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट्स अब ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना ये वेट अ अकेंड मार्केट ये दिख रहे हैं ना ये है हमारे केसेस जो कि हमें मिलते हैं अपने केस मैच में ठीक है तो ये केस है कार्लिल कार्लिल कार्बोलिक्स तो अपने एंट्रेंस में भी करा है ठीक है फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज़ बेल्फर वर्सेस बेल्फर भी शायद आपने एंट्रेंस में देखा होगा लालमन शुक्ला केस के बारे में भी सुना होगा पक्की बात है हार्वी वर्सेस फैसी के बारे में सुना होगा तो ये सारे जो केसेस हैं ना ये आपको केस मैट में मिलेंगे इन मतलब ये जो केसेस हैं ना इनकी जजमेंट्स को ब्रीफ करके केस मैट में डाला हुआ है बट आपको उनको पढ़ने में जो फील आ जाएगी ना इट वुड भी बी ऑन ठीक है तो यू वुड इन्जॉय दिस सब्जेक्ट अ लॉट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है अगर आप दिल से पढ़ो तो ठीक है जी तो ये है अब आगे चलते हैं बेटा सेकेंड टॉपिक थ्री है हमारा स्पेशल सिचुएशन टेंडर्स ऑप्शन मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट अब ये जो केसेस हैं ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है फिर इसके बाद कंसिड्रेशन के बारे में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं जैसे माइनर नहीं आ सकता वो सब चीज़ें फ्री, फ्री फ्री कंसेंट की जो बात है उसके बारे में अनड्यू इन्फ्लुन्स नहीं होना चाहिए ठीक है तो यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्चार्ज ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट इनके फिर केसेस दिए हुए हैं ठीक है सत्यव्रता घोष वाला केस आपने शायद पढ़ा भी होगा ड्यूरिंग एंट्रेंस तो यही सारी चीज़ें फिर रेमिडीज अगर बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी क्या क्या रेमिडीज़ होती हैं तो इसके फिर केसेज़ आ गए यही सब ठीक है फिर ई कॉन्ट्रैक्ट भी आपको एक ब्रीफ देंगे कि ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसमें कैसे फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट होता है ओके सो अब हम आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट पे विच इज़ मतलब थर्ड पेपर बेसिकली लॉ ऑफ टॉट ठीक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने ब्रीफ पढ़ा है ना ड्यूरिंग लाइक एंट्रेंस उससे बहुत ऊंचा ये पेपर है मतलब इसमें ना समझने वाली चीज़ें बहुत हैं एंड टेक्निकालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बट अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो ये कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है ये ठीक है मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो यू वुड बी ईजिली गेटिंग इट ठीक है सबसे पहले अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन नेचर स्कोप ये तो बेसिक है ठीक है इसमें भी थियोरी ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में भी बट देखो अब इसके अंदर देख लो वेट केसेस हैं ये केसेस जो सारे हैं ना ये आपके केस मैट में आपको इजीली मिल जाएंगे तो इन केसेस को पढ़ना शुरू करो इनको पढ़ने में ही आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपको अपने आप जैसे एचबे वर्सेस वाइट का केस तो आपने वैसे भी पढ़ा है ना एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फील होता है जैसे ग्लास्टर ग्रामर स्कूल का केस ये भी आपने सुना होगा राइट तो इन केसेस को डिटेल में जब पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आने लगेगा तो अगर अभी भी ये है ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ तो गेट अ प्रिंट ऑफ योर बेयर एक्ट एंड उनको बेर आट कह रही हूँ सॉरी आई एम सॉरी के स्मार्ट के स्मार्ट का प्रिंट निकलवाओ एंड उनको पढ़ना शुरू करो जो केसेस आपने एंट्रेंस के टाइम में पढ़े हैं ना बस उनको खोल के बैठ जाओ एंड यू विल फील कि हाँ भाई मैंने कहीं एडमिशन लिया है एंड आई एम डूइंग समथिंग सच में बहुत अच्छा फील होता है ठीक है जी तो स्टार्ट हमें हमेशा केस मैट से ही करना चाहिए और अगर इनिशियली केस मैट से नहीं समझ आता ना तो जस्ट डू अ थिंग ऑनलाइन जाओ उस केस की समरी निकालो समरी को रीड करो देन रीड दैट केस तो पूरी हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी आ जाएगी इन रीडिंग दैट केस ठीक है उसके बाद ये टॉपिक टू है टॉटियस लाइबिलिटी जो हमने पढ़ा उसके डिफ़ेंसेज़ क्या क्या हो सकते हैं उसके बाद स्मिथ वोसिस चार्ल्स वाला केस आपने देखा होगा एंट्रेंस के टाइम पे तो ये सारे नेगलेजेंस के केसेस हैं फिर उसके बाद डॉनोग्यू वोस स्टीवनसन कितना फेमस केस है इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है राइट तो इंटरेस्ट आ जाता है मेडिकल निगलिजेंस कोविड के टाइम में कितनी ज़्यादा मेडिकल निगलिजेंस हुई है तो वो वाले केसेज़ भी हैं इसके अंदर ठीक है यू कैन लुक कैन टू इट अब मैं पूरा बताऊंगी ना तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा आपके लिए विकर लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन कितना इंटरेस्टिंग है हर, हर लाइक दूसरे न्यूज़पेपर के पेज पे, पे, पे आपको डिफॉर्मेशन का कोई केस दिख जाता है ठीक है अब आते हैं हम लॉ ऑफ क्राइम पे जो कि है हमारा फोर्थ पेपर अब इसके अंदर भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्राइम्स में किसको इंटरेस्ट नहीं आता है सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है ऑफ दिस फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है तो अब इसके अंदर फर्स्ट यूनिट देखो मेन्स रिया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंट्रेंस के टाइम पर जो सब कुछ हमने पढ़ा है वही सब कल्पेबल होमुसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस ओए हुए मतलब पढ़ना यार मतलब अगर मतलब फील ना आ जाना तो सच में मेरा नाम बदल देना ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है यूनिट टू कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर में डिफरेंस क्योंकि ये समझना है ना बहुत डिफ़िकल्ट है पर जिसको ये समझ आ जाए उसके लिए फिर ये जो आई है वो कुछ नहीं है ठीक है तो अभी ये सारे इनके केसेस हैं अलग अलग सेक्शन के अलग अलग केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसके बाद हम नीचे चलते हैं एक्सेप्शन हैं ठीक है, है मर्डर और इन सब के और उसके अंदर कल्पेबल होमोसाइड के बारे में भी दिया हुआ है प्राइवेट डिफेंसिस क्या होते हैं किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है उनके क्या क्या, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब डिटेल में यू गॉनर रीड इन दिस फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक रेप असॉल्ट एंड फर्दर ऑफ इट्स काइंड इट्स स्पीशीज फिर उसके बाद इसके डिफरेंट केसेज़ तो वाला केस शायद अब एंट्रेंस के टाइम पर करा भी होगा फिर जॉइंट लाइबिलिटीज़ सो देखो जी अभी अटैम्प्ट है इसके अंदर भी दे वेरियस केसेस जी कौर वाला तो केस सब नहीं पड़ा होगा ना उसके बारे में यू कॉन रीड इन डिटेल जो भी केस में इंटरेस्ट आता है ना उसको खोल के बैठ जाना केस मैट से एंड नाउ वी आर ऑन द फैमिली लॉ विच इज द फिफ्थ पेपर इन दिस वी विल बी रीडिंग लाइक हिंदू लॉ मैरिज अंडर हिंदू लॉ एंड देन देर वुड बी न्यूमरस केसेस टू द सेम विच यू डेड एट द टाइम ऑफ योर एंट्रेंस जैसे कि लुक एट दिस लिली थॉमस का केस आशा कुरैशी वाला केस इफ़ यू रिमेंबर सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार ये सारे केस हमने एंट्रेंस के टाइम में पढ़े हैं ना अब इन्हीं को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यू वुड गेट द रियल लाइक रियल लाइफ चेक कि हमने जो लॉ पॉइंट उसमें डिस्कस किया वो लॉ पॉइंट आया कैसे उनके फैक्ट्स क्या थे उसमें कंक्लूजन क्या निकला केस में अब आते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट पे विच इज़ मैट्रीमोनियल रेमेडीज अंडर हिंदू लॉ अब इसके अंदर भी दास्तान वर्सिस दास्फ़ दास्ताने, यू रिमेंबर हमने दास्ताने वर्सिस दास् वाला केस भी डिस्कस किया था तो ये वाला जो केस है या फिर समर घोष वाला केस जया घोष एंड समर घोष वाला तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमने इंटरन के टाइम में बहुत ब्रीफ में पढ़ी ना बी रीडिंग वी 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 इन डिटेल तो हमें इंटरेस्ट तो पक्का पक्का आने वाला है अब ये देखो मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ अडॉप्शन कैसे होता है माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप तो मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ डन लतीफ़ी का केस याद है आप सबको डैन लतीफ़ी ये राइट हमने शायरा बानो का अभी केस किया था शायरा बानो वेट अ सेकेंड दिस वन तो डैन लतीफ़ी शायरा बानो ये सारे केस हमने एंट्रेंस के टाइम पे किए थे एंड नाउ वी विल बी डूइंग दैट इन डिटेल सो गाइज विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो आई होप इट वॉज समहाउ हेल्पफुल टू यू हेल्पफुल थी तो लाइक कर देना एंड फर्दर अगर कोई रिकमेंडेशन हो सजेशन हो या फिर कुछ और क्वेरीज हो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो पीडीएफ टू दिस सिलेबस वुड बी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम का लिंक वुड बी इन डिस्क्रिप्शन एंड फर्दर हाँ जो सारी बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड की उनका भी लिंक आई एड इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वॉन अ बाय ऑनलाइन यू कैन डू द सेम एंड कुछ और रहे तो नहीं किया आई डोंट थिंक सो So for now, bye bye. All the best for your first semester.